नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो स्मार्टफोन लेकर आया हूं वह वन प्लस का है, वन प्लस नोड एन टेन की। आज मैं स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा, इसमें इसकी प्राइस भी आपको देखने को मिलेगी, जानेंगे इसके अंदर आपको क्या कैमराज देखने को मिलता है और इसकी प्राइस के बिहाफ पर स्मार्टफोन कैसा है, आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, हमारा ओपिनियन क्या रहता है, जानेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया फ्रेंड्स, तो नीचे दिख रहे रेड कलर बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले बात करी जाए इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। इसके अंदर आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है वह 6.49 इंच की डिस्प्ले रहेगी, जो कि 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में देखने को मिलती है और 406 ppi पर बज रहेगी। साथ ही ये पंच होल डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अब बात करी जाए इस स्मार्टफोन के बैक कैमराज, रियर कैमराज की। तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको जो बैक एंड में कैमराज देखने को मिलते हैं वह 4 कैमराज का सपोर्ट रहेगा, जिसमें 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का रहेगा। सेल्फी कैमरा की बात करी जाए दोस्तों, तो इसके अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जो कि ठीक ठाक काफ़ी बढ़िया है। नेटवर्क फैसिलिटीज़ की बात करी जाए दोस्तों, तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको जो नेटवर्क फैसिलिटीज देखने को मिलेगी ये 5G वेरिएंट पर बेस्ड है, जो काफी ज्यादा बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की बैटरी बैकअप की। इसके अंदर आपको जो बैटरी बैकअप देखने को मिलता है वह 4300 mAh का रहेगा, 30 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग फैसिलिटीज के साथ में। सब कुछ जानने के बाद अब परफॉर्मेंस इसकी देख लेते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस आपको क्या देखने को मिलेगी। परफॉर्मेंस में सबसे पहले रैम एंड इंटरनल स्टोरेज को ले लेते हैं। तो वैसे तो ये स्मार्टफोन अलग अलग वेरिएंट में लॉन्च होगा, 6GB 128GB 8GB 128GB, जो भी वेरिएंट आपको लेना है वे ले सकते हैं। और बात करी जाए परफॉर्मेंस में इसके प्रोसेसर की, इसके अंदर आपको क्या प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा वह ओक्टा कोर का 2GHz पर बेस्ड है। इसकी स्पीड को बूस्टर अपग्रेड करने के लिए ड्यूअल कोर का 1.7GHz का प्रोसेसर लगाया गया है, जो काफ़ी हद तक इसकी स्पीड को बूस्टर अपग्रेड कर देता है। अब बात करी जाए इस स्मार्टफोन के चिपसेट की, इसके अंदर आपको जो चिपसेट देखने को मिलता है वह क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 690 देखने को मिलेगा। और बात करी जाए इस स्मार्टफोन के ग्राफिक्स की, इसके अंदर आपको एंड्रॉइड 619L देखने को मिलता है, जो कि ठीक ठाक काफी बढ़िया है। और बात करी जाए इसकी प्राइस की, इसकी प्राइस इंडिया के तौर पर क्या देखने को मिलेगी, तो वैसे तो यह स्मार्टफोन अलग अलग वेरिएंट में लॉन्च होगा 28,000 की रेट में, या फिर अलग अलग वेरिएंट, क्योंकि वेरिएंट के हिसाब से इसकी प्राइस डिसाइड की जाएगी। तो यह लगभग 28,000-29,000 रुपए की रेट में आपको यह स्मार्टफोन देखने को मिलता है, जून के लास्ट में लॉन्च होने की संभावना लग रही है। हमारा ओपिनियन जान लेते हैं कि इस प्राइस के बिहाफ पर स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है। तो अगर आप रुकते हैं तो काफ़ी अलग अलग स्मार्टफोन आते हैं, लेकिन वन प्लस एक ब्रांडेड, काफ़ी टॉप लेवल ब्रांड माना जाता है, तो उस स्थिति में तो आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं काफ़ी जगह से। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया फ्रेंड्स, तो नीचे दिख रहे रेड कलर बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।